रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती, जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज कल और हमेशा के लिए। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, नियर ज्योति श्री सिनेमा हॉल, सहेजना रोड, गढ़वा, झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। सारठ से शुभम सिंह की रिपोर्ट। मारुति नंदन महायज्ञ में बही भक्ति की अविरल धारा। सारठ प्रखंड अंतर्गत शहर जोरी में आयोजित श्री श्री 1008 मारुति नंदन महायज्ञ से क्षेत्र में भक्ति की अविरल धारा बह रही है। हर दिन हवन पूजा पाठ है, भक्ति कार्यक्रम हो रहे हैं। बुधवार को रात्रि कार्यक्रम में राम जन्मभूमि न्याय बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेते हैं वह पूजन आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। दुनिया में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी कथा स्वयं श्री राम करते हैं। इस दौरान कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने डॉक्टर वेदांती को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद गायिका कुमकुम बिहारी ने हिंदी भोजपुरी भक्ति गीतों से लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो दोनों हाथ उठा लीजिए, सुखा दे लो। बोली बाबा भोलेनाथ जी की गौरव सेना करने से दुनिया परेशान है कुर्सी वालों से। देखो जितने कुर्सी वाले लोग हैं सबको बाबा की कसम कुर्सी छोड़ के घर खड़े जीते सारे लोग। एक बार कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाइए, भले इधर वाले भी एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक बार उधर वाले जमींदार लोग एक बार खड़े हो जाइए। और जब दोनों हाथ उठा के झूम के नाच के साथ देंगे कैसे जी? अरे दर्शन की फरमाइश पर पति जी की गुना ले जाए। जी जी बिल्कुल आएंगे। बोले दोनों हाथ उठा लीजिए पहले सारे लोग और झूम के कहेंगे क्या कि Thank you.
गोवर्धन ने, गोवर्धन का दृश्य देखा, मथुरा का दृश्य, वृंदावन का दृश्य देखा, बिल्कुल सूखा। दोपहर को निकला तो ऐसा लगता था कि आग की भट्टी में निकला हूं, लेकिन जब यहां 12 बजे कल 11 तारीख को 12 बजे 1 बजे जब मैं यहां पहुंचा, यहां की हरियाली, ठंडी हवा देखा, तो मुझे ऐसा लगता था कि लगता है कि हमारे रणधीर सिंह कृषि मंत्री बन करके इस झारखंड को इतना हरा भरा कर दिए हैं, यहाँ की हवा भी ठंडी बह रही है, यहाँ के पेड़ पल्लों भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य मैंने देखा पहली बार। आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अब वह समय समाप्त हो गया है। सन 84 में जब रामगढ़ की रचना था तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये रथ कहां चला, लेकिन यहां गिराना चाहता हूं रथ। रथ ऐसा चला कि जैसे पांडवों का रथ कौरवों पर विजय प्राप्त किया था, वैसी रथ चलते चलते कांग्रेस के ऊपर विजय प्राप्त करके भाजपा को उच्च गद्दी पर बैठा कर दुनिया के लोगों को दिखा दिया, अब हम भारत की सत्ता को अपने हाथ में लेकर भारत की अराजकता को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, भारत के आतंकवाद को दूर करेंगे। इस आतंकवाद को दूर करने का ये प्रयास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ऐसे मंगलमय दिव्य अवसर पर फिर से नरेंद्र मोदी की सत्ता आ गई है और भाजपा के इस शासनकाल में हम सब लोग सुरक्षित हैं। और ये निवेदन करना चाहता हूं एक बार फिर से भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। और जिस प्रकार के सारथ विधानसभा के विधायक आपके कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने समाज की सेवा किया है, समाज के हर वर्ग के लोगों को आपने सुविधा प्रदान किया है, और ये नहीं है केवल हिंदुओं को सुविधा प्रदान किया है, हर वर्ग के लोगों, यहां आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, सबके प्रति इनकी जो भावना बनी हुई है, मैं चाहता हूं कि समाज के ऐसे लोग आगे आए और जिन्होंने समाज में इस प्रकार का काम किया है उनको लोग सभा चुनाव के बाद, जैसे आपने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, फिर से जिता करके हमारे रणधीर सिंह को झारखंड का कृषि मंत्री बनाए, ये मैं आप सब लोगों से याचना करता हूं। और भगवान बैद्यनाथ धाम से प्रार्थना करता हूं, और मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं, आपने जब से यहां पर यज्ञ प्रारंभ किया, दिन दूना और चौगुना यह दृश्य यहां दिखाई देने लगा। मैं जब पहली बार यहां आया था तो मंदिर नहीं था, मंदिर था लेकिन मंदिर का शिखर नहीं था। अब यहां जब मैं उपस्थित हुआ 11 तारीख को, देखा एक शिखर, दो शिखर, तीन शिखर, चार शिखर, चार और मंदिर का शिखर, और वो ऐसा भव्य शिखर दिखाई दिया जो शिखर हमारे अयोध्या में नहीं है। ऐसा दृश्य देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए जैसे आप सब लोगों ने हमारे रणधीर सिंह को कृषि मंत्री बनाया है, विधायक बनाकर, जैसे आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया है, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए आप सब लोग आगे आए। और इस समय मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं कि जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा के दो सांसद थे तो 18 बन गए, लोग कहते थे भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देता, लेकिन 10 लोकसभा मुस्लिम बहुल, भाजपा कैसे जीत गई? जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल 3 लोकसभा सीट, जिसमें भाजपा कैसे जीत गई? ये नहीं है नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि हमको इनका वोट चाहिए, इनका नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 7 शब्दों में घोषणा किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। धन्यवाद।